जिस मोबाइल से ये वीडियो बन रही है वो बंदा मुझसे अपना मोबाइल लेने मेरे पास आया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि मैं काम पर जा रहा हूँ उसने मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाई फिर अपने घर चला गया। काम करते करते मुझे 10-12 घंटे हो गए तो वो बंदा अगले दिन फिर आया और अपना मोबाइल देकर मुझे चला गया। जिस बंदे का ये मोबाइल है, जिस मोबाइल से अब ये वीडियो बन रही है, उसने मुझे ये कह रखा है कि जब तक आप अपना मोबाइल ना खरीद लो आप वीडियो बनाने के लिए मेरा मोबाइल ले जाया करो, लेकिन मुझे अपनी वीडियो मत लेना। गन्ने की पुली का काम खत्म करके फिर मैं ये ट्राली वाला काम करने लग जाता हूँ जिसपे एक खोई है। हमारे यहाँ इसे गन्ने की खोई बोलते हैं और इस खोई को ले जाकर के मैं धूप में सुखो देता हूँ जिससे कि अच्छी तरह से सूख जाए, क्योंकि ये गन्ने की खोई भट्टी जलाने में बहुत ज्यादा काम आती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना भट्टी नहीं चलती है। रात से यहाँ काम करते करते मुझे लगभग 12-12.5 घंटे हो गए हैं। अब मेरी यहाँ से छुट्टी हो गई तो मैं अपने कपड़े झड़काते हुए वापस अपने घर चल देता हूँ। फिर सरकारी नल पे मैं अपने अच्छे से हाथ मुंह धो लेता हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं कोहलू पे जाकर काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है और मुझे मोबाइल खरीदना है। ऐसे काम कर करके मैं थोड़े पैसे कमाऊंगा और थोड़े पैसे किसी से उधार मांग लूंगा, फिर जाके कोई ठीक ठाक से मोबाइल खरीद लूंगा।